हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज फिर से हम सार प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह का नया वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम देखेंगे सार संग्रह में क्या क्या निर्दिष्ट है। चलिए भारतीय इतिहास और संस्कृति से देखेंगे। छिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? छिप्रा नदी के किने तो उज्जैन, उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। छिप्रा नदी के किने पश्चिमी राजधानी थी। सातवाहन वंश में संचारिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? तो नागनिका तथा गौतमी, नागनिका तथा गौतमी। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? तो नागनिका तथा गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया होता है? मिलिंद। उसके बाद कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गंधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाख दत्त ने की। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत से है? तो शैव मत से। अर्धनारीश्वर का कल्पना हिंदू धर्म में शैव मत से है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोह की संज्ञा दी गई? तो जयचंद्र को दी गई, कन्नौज का शासक था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रण करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोह की संज्ञा दी जाती है? तो जयचंद्र को, जो कन्नौज का शासक था। वहीं पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को इन्वाइट किया। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो तथाकथित गुलाम वंश का शासन। 1206 से 1290 में गुलाम वंश का शासन था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? तो कलानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहाँ ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहाँ ने शहरयार को सम्राट घोषित किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेवार कौन था? चापेकर बंधु। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया हाउस जो कि भोपाल में है, भारत भवन, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने किसने फेंका? भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंके। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 ईस्वी में नेतृत्व किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने 1920 में किया। कॉमनवेल अवार्ड किस समझौता को कहा जाता है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड की अगस्त 1932 की घोषणा को कॉमनवेल अवार्ड कहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड की अगस्त 1932 की घोषणा को हम कॉमनवेल अवार्ड कहते हैं। इसका सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडिया रिपब्लिक आर्मी से। सूर्य सेन इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संगठित। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर अधिवेशन में, असहयोग आंदोलन का नागपुर अधिवेशन में 1926 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की घटना किसने की? तो आचार्य नरेंद्र देव ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना नरेंद्र देव में। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर? तो शाहनवाज खान, उसके गुरदयाल सिंह ढिल्लो तथा प्रेम सहगल। शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो तथा प्रेम सहगलों को पर मुकदमा चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की? तो चीतू पांडे ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में चीतू पांडे ने क्या की? तो चीतू पांडे ने समानांतर सरकार की स्थापना की। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में पारित किया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक, लॉरेंस, एस्टेफोर्ड क्रिप्स तथा ए बी
एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस तथा एस्टिपोर्ट क्रिप्स तथा एबी एलेक्जेंडर। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है, तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में, संशोधन 369 में किया गया। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन कर सकता है, तो मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है, तो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों की रक्षा रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय पर। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय पर। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। क्रिटेशियस युग में अथल स्थल के दो भाग थे, उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल तथा लारेशिया लैंड कहलाता था, दक्षिणी भाग क्या कहलाता था, गोंडवाना। तो क्रिटेशियस युग के दो स्थल थे, तो पहला उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल लारेशिया तथा दूसरा गोंडवाना कहलाता था। इसके बाद हम देखेंगे एक थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, चिल्का। हाँ, चिल्का किस प्रकार की झील है, तो लैगून झील है। चिल्का किस प्रकार की झील है, तो लैगून झील है। मालागासी जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं, तो हिंद महासागर के द्वीप हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लाब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थल कहाँ है, तो न्यू फाउलैंड में है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा तथा लैब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थल कहाँ है, तो न्यू फाउलैंड में है। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताएं, तो मेलबोर्न, मास्को तथा वाशिंगटन में है। मोहोगनी रोजवुड तथा आयरन वुड सेंडर सुन एनीबो इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। दोंदा बेटा किस पर्वत श्रेणी की चोटी का नाम है, तो नीलगिरी है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है, तो चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, चंद्रभागा। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहां से कहां तक है, तो लेनिनग्राड से व्लाडिवोस्टोक तक है। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे लेनिनग्राड से व्लाडिवोस्टोक तक है। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थान को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोहेल रेखा। समान सूर्यताप की अवधि तथा प्राप्त करने वाले स्थलों को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे, किसी राष्ट्र में विकसित हो रहा अथवा नहीं इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि है। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या तो नहीं इसका अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है, तो घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा तैयार किया। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्ष में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने इसे क्या नाम दिया था, विकास की हिंदू वृद्धि दर बताया। पशु अवधारण किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ी है, तो प्रोफेसर पॉलन रेजेलस्टीन रेडॉन के से जुड़ी हुई है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी, तो सर एम विश्वेश्वरैया। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है, तो वैधानिक तरलता अनुपात SLR पर निर्भर करती है। भारतीय
आयोजन की रणनीति का प्रथम चरण विकास रणनीति का प्रथम चरण विकास किस नीति पर आधारित है? महाबलोनिस रणनीति पर आधारित है। भारतीय आयोजन की रणनीति का प्रथम चरण महाबलोनिस रणनीति पर आधारित है। उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति की अध्यक्षता किसने की? तो प्रोफेसर सी एच हनुमत राय ने की। इसके बाद सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए यह परिभाषा किस संस्था ने दी थी? खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने दी। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? तो औद्योगिक नीति आर्थिक संविधान भी कहते हैं। औद्योगिक 1956 को किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? औद्योगिक नीति 1956 को कहते हैं। सामान्य विज्ञान से हम क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटास की स्थिति होती है। शर्करा तथा पोषक तत्व का स्थानांतरण के लिए पोटास की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोहा Fe जिसको बोलते हैं, लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? लोहा पौधे में ऑक्सीजन का स्थानांतरण तथा क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ऑक्सीजन का स्थानांतरण तथा क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो हीमोफीलिया कहते हैं। शरीर के किस भाग में को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं। ऊपरी बाहू यानी फोर फार्म की अवस्था किस नाम से जानी जाती है? ऊपरी बाहू के नाम से ह्यूमरस को जाना जाता है। ऊपरी बाहू के नाम से ह्यूमरस को जाना जाता है। DNA का अनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1965 ईस्वी में ज्ञात किया। DNA का अनुवांशिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1965 में ज्ञात किया। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए घनत्व होती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसके बाद खेल कूद से देखेंगे, मोहम्मद अली किस खेल से संबंधित हैं? मोहम्मद अली बॉक्सिंग से हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित माने जाते हैं? तो फुटबॉल से। खेल कूद उत्कृष्टता लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन एक्सीलेंस। खेल कूद में उत्कृष्टता लाने के लिए एक्सीलेंस चलाया गया। प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त करने वाले खिलाड़ी? तो विश्वनाथ खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद जी हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे फिर से दूसरा हमारा सार संग्रह है इस वीडियो का, भारतीय इतिहास और संस्कृति से देखेंगे। चलिए, हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, हिंदुओं के दो हैं। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। कहाँ पे? कश्मीर में। 1175 ईस्वी से 1206 तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने लगातार आक्रमण किया। प्रसिद्ध इतिहास लेखन अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तो तथा गुलाम वंश का था। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। उसके बाद अनंत बर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में स्थित है। कौन बनवाया था? तो अनंत बर्मन लिंगराज मंदिर अनंत बर्मन। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? तो शहरयार को घोषित किया। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को द्वितीय। चलिए स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम
डोडूपंत था, डोडूपंत नाना साहब का, नाना साहब का नाम डोडू डोंडूपंत था। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था, तो हडसन ने को किसने गिरफ्तार, हडसन ने गिरफ्तार किया। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा, तो बी डी सावरकर ने कहा। कोलकाता में हिंदू कॉलेज ऑफ और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की हुई थी, सर सैयद अहमद खान को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुआ था। पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। इसके बाद विलियम कॉर्जन वायली की हत्या किसने की थी, मदन लाल धिंगरा ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, डॉफरिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डॉफरिन था। 1916 में लखनऊ के किन किन पार्टियों के बीच समझौता हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ में समझौता हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस तथा एस्टेफोर्ड क्रिस्ट तथा ए बी अलेक्जेंडर थे। मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो अनुच्छेद 395 तथा अनुसूची 8 है। पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है, तो 42वें पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। संविधान के नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस संविधान से प्रेरित है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस 69 से है, 359। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 20 में है, अनुच्छेद 20 में है। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड देने का उल्लेख अनुच्छेद 20 में है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। क्रिटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे, उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल लारेंसिया तथा दक्षिण के भाग गोंडवाना 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 से 35 डिग्री अक्षांश देशांतर अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो अश्व अक्षांश कहलाता है, हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है। 30 से 35 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध के बीच के हॉर्स अक्षांश कहते हैं। हरिकेन तथा चीन में क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। हरिकेन को चीन में टाइफून कहा जाता है। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरह बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है, तो व्यापारिक पौने कहलाती है। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में उच्च दाब क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहते हैं, और इसमें बहने वाली डोलड्रम की तरह हवा को व्यापारिक पौने कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे न्यू फाउलैंड किस गर्म जलधारा तथा किस ठंडी जलधारा का मिलन स्थान, गल्फ स्ट्रीम तथा लोब्राडोर। न्यू फाउलैंड किस गर्म जलधारा का मिश्रण है, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर ठंडी जलधारा का। रेंगुन मिट्टी किससे प्राप्त होती है, तो लावा से प्राप्त होती है, रेंगुन मिट्टी लावा से प्राप्त होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, तो अफ्रीका में इसको वेल्स कहा जाता है तथा ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय भूमि को अफ्रीका में इसे वेल्स तथा ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है। एशिया का सर्वाधिक वनाच्छादित देश कौन सा है, तो रूस है। पापुआ गिनी है। एशिया का सर्वाधिक वनाच्छादित पापुआ गिनी है। चंबल नदी का बिहार क्षेत्र किस पठार में स्थित है, तो मालवा के पठार में स्थित है।
नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत की चोटी के पास है? तो अमरकंटक, अमरकंटक की चोटी के पास है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, भारत में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक की सुविधा कितने प्रकार की है? तो डाकघर। किसने प्रदान किया? भारत में खातेदारों की अधिकतम संख्या को, खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान किया? तो डाकघर। किसी देश का जीवन स्तर मुख्यतः किससे जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय से जाना जाता है। उसके बाद क्राइसिस किसका संक्षिप्त रूप है? तो क्रेडिट रैंकिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड का क्राइसिस का संक्षिप्त रूप है क्रेडिट रैंकिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड का है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में किया गया था योजना आयोग 1950 में। विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को। सेबी का करेंट क्वेश्चन है। चलिए, फोर्ब्स का आकलन कौन सा? भारत में सर्वाधिक संपन्न उद्यमी कौन है? अजीम प्रेम जी। इसके बाद स्वतंत्र भारत में पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आर के षणमुगम सेट्टी ने पहला बजट पास किया था, पेश प्रस्तुत किया था। आर के षणमुगम सेट्टी ने पहला बजट पेश किया था, पहला बजट पेश किया था। मॉडर्न फूड के नाम से केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा? हिंदुस्तान लीवर्स ने। मॉडर्न फूड नाम से केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा? हिंदुस्तान लीवर्स ने खरीदा। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेने की स्थिति आ जाए? तो उसे ऋण जाल कहते हैं। उस स्थिति को कहा जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए ऋण पर जब लोन पर ब्याज भुगतान के लिए लोन लेने की स्थिति आ जाए तो उसको ऋण जाल कहते हैं। यानी लोन चुकाने के लिए ऋण पर, यानी लोन चुकाने के लिए ब्याज भुगतान के लिए फिर ब्याज लेने की स्थिति आ जाए, ब्याज पर पैसा लेने की, तो उसको ऋण जाल कहते हैं। सामान्य विज्ञान से हम क्वेश्चन देखेंगे। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? परमाणु बम। उसके बाद हम देखेंगे सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो सिलिका की खदान में काम करने वाले, सिलिकोसिस बीमारी सिलिका की खदान में काम करने वाले लोगों के लिए होती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती काली दिखाई देती है। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिल जाती है तो बनता है तो एन टाइप सेंटी कंडक्टर बनता है। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है, जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाई जाती है तो एन टाइप सेंटी कंडक्टर बनता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी बारह में। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? नर्म लोहा का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने की थी। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहेगी। कॉनकेव को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया गया। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर के नाम है। ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है? 8। ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कितने लेन होती है 8 लेन होती है। रणजी ट्रॉफी में 213 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बीवीएस लक्ष्मण है। 213 शतक। इसके बाद भारत ने अपना घरेलू क्रिकेट टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला? तो इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। विजडन पत्रिका के अनुसार
खिलाड़ी का नाम बीसबीएस लक्ष्मी, ये भी करंट क्वेश्चन है। डूरंड कप किस खेल से, डूरंड कप फुटबॉल में, डूरंड फुटबॉल डूरंड कप। उसके बाद मधुमिता विष्ट पुलेला गोपीचंद अपर्णा पोर्ट, ये सब संबंधित नाम बैडमिंटन से है। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो, जापान जूडो। सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन किस नगर में हुआ, तो बैंकॉक में हुआ था। सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे सर एडमंड हिलेरी का नाम किस खेल से आता है, तो पर्वतारोहण में, एडमंड हिलेरी पर्वतारोहण में। इसके विविध क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका के 50 राज्यों में किसे एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो न्यूयॉर्क को एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस नदी को जाह्नवी कहते हैं, तो गंगा नदी को जाह्नवी कहते हैं। पी वी नरसिंहा राम के ठीक बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो सीताराम केसरी ने बने। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। मिलिंद पन्हो किन किन के बीच वार्ता के रूप में एक ग्रंथ है, तो राजा मनेंद्र और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच, है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। मानसरोवर किस लेखक की कहानियां का संग्रह है, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को सन 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी, तो दादा साहब फाल्के। 1917 में दादा साहब फाल्के की स्थापना हुई थी। मात्र 16 वर्ष की आयु की किस नृत्यांगना को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया, तो सितारा देवी को। 16 वर्ष की आयु में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्री कहकर उनको गौरवान्वित किया, सितारा देवी को। पॉल एलन के साथ किसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी, तो बिल गेट्स। पॉल एलन के साथ बिल गेट्स ने मिलकर दोनों किया था। पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बिल गेट्स की थी। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विष्णु के हाईग्रीव को मारने और मनु को बचाने के लिए किस रूप में अवतार लिया, तो मत्स्य के रूप में। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए विष्णु ने हाईग्रीव को मारने के लिए मनु का होता मत्स्य कर लिया। उसके लक्षद्वीप के वर्तमान संसद और लोकसभा के सभापति, ये भी क्वेश्चन करेंट का है। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए कौन सी, तो ठक्कर आयोग का गठन हुआ था। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या के लिए जांच हुआ था। किस भारतीय ग्रैगी, ये भी क्वेश्चन करेंट क्या है। उसके बाद हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। डॉक्टर एस राधाकृष्ण का जन्मदिवस कब और किस रूप में मनाया जाता है, तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में। वास्को डी गामा की 1448 भारत के किस तट पर पहुंचा, वर्तमान में किस राज्य में है, तो कालीकट पर डॉक्टर 1448 में कालीकट के तट पर पहुंचा। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने सरस्वती शब्द किसके लिए दिया, तो अनुसूचित जाति के लिए। अग्नि और बरखा किस भारतीय नाटककार के सुरचित नाटक है, तो ग्रीस कर्नाड के सुरचित है। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। परवेज मुशर्रफ से ठीक पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, तो मोहम्मद रफीक तरार थे। उदयपुर किस रजवाड़े की अंतिम राजधानी थी, तो मेवाड़ की। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी का नाम बताया, तो किरण बेदी। आज तक न्यूज चैनल किस समाचार माध्यम से जुड़ा है, इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ा। आज तक न्यूज चैनल इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ा है। फरवरी 2020 में चुनाव हुए थे। चलिए इसको करंट को क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। क्रीमिया युद्ध किन दो राष्ट्रों के बीच हुआ था, रूस और तुर्की के बीच हुआ था क्रीमिया युद्ध। इसके बाद है माँ के दूध में मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण तो एंटीबायोटिक है। माँ के दूध में एंटीबायोटिक मिलता है। खाद्य संरक्षण में साधारणतः प्रयुक्त होता है, तो खाद्य संरक्षण में बेंजाइक अम्ल सोडियम बेंजोनेट के रूप में प्राय खाद्य संरक्षण में बेंजाइक अम्ल सोडियम बेंजोनेट के रूप में मिलता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम
राष्ट्रपिता किससे संबोधित, किसने संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता से संबोधित किया। चलिए इसके बाद हम सार संग्रह देखेंगे। चौथा, भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा की को अपनाया, तो प्राकृत भाषा, यानी जैनी लोग किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया, तो प्राकृत भाषा को। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिले, कनिष्क के शासनकाल में जो सिक्के चलते थे तो उसमें बुद्ध के चिन्ह मूर्ति होते थे। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज थे, तो गिरिव्रज मगध की राजधानी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहते हैं, गुप्तचर को गुण पुरुष कहते हैं। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक कहाँ का शासक वायसराय था, उज्जैन। बिंदुसार का जब मृत्यु हुआ तो अशोक उज्जैन का शासक वायसराय था। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है, ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा गंधार शैली को दी जाती है। इस्लामिक आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है, तो शरीयत कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किन शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, तो कन्नौज के जयचंद्र को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ, तो नरसिंह प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरे किस भाषा में की, तो अरबी भाषा, तुर्की भाषा में की थी। बाबर ने तुझके बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है, तो हरकारा कहा जाता है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाएं जो देता था उसे हरकारा कहा जाता था। शिवाजी को स्वतंत्रता की भावना की प्रेरणा किससे प्रदान थी, तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास से। शिवाजी को माता जीजाबाई और गुरु रामदास से प्राप्त था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इस विभाजन को किसके काल में रद्द कर दिया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के काल में इसे क्या कर दिया गया, इसे रद्द कर दिया गया। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, 1925 में हुआ था काकोरी षड्यंत्र। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी, तो चीतू पांडे ने की थी। इसके बाद हम देखेंगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया, चौरी चौरा हिंसक कांड के कारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में किस आंदोलन को प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई, तो खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो बाल गंगाधर था शिवाजी द्वारा महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का किया गया। स्वदेशी आंदोलन को कब प्रारंभ हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किया। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के तहत भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की, तो माउंटबेटन योजना। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था, तो दैध शासन प्रणाली लागू करना। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर के बम फेंके। 1856 ईस्वी में विधवा विवाह कानून किसके प्रयासों से बना, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से बना, 1856 में बना था। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ हुआ, तो मेरठ में हुआ। भारतीय राजव्यवस्था और संविधान से देखेंगे। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। 44वें संविधान में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए
कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, राज्यसभा के सदस्य के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। भारत विदेशी सेवा, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। संसद के कितने सत्र होते हैं उनके नाम बताइए? तीन, संसद के तीन सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? तो तीन होते हैं। बजट ग्रीष्मकालीन बजट होता है, संसद के बजट सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन होता है तथा शीतकालीन। संसद में तीन सत्र होते हैं, बजट होता है, ग्रीष्मकालीन होता है तथा शीतकालीन होता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल आता है, शून्यकाल कहा जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य में होता है महाधिवक्ता, राज्यपाल। उसके राज्य मनार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो प्रशासनिक सुधार। राज्य मन्नार आयोग का गठन 1970 में प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया, प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया। चलिए उसके बाद देखें, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया? तो अखिल भारतीय सेवा के रखा, वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा की जाती है उच्च न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय के परामर्श से। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा, संसद चाहेगा तभी संशोधन होगा। किस अनुच्छेद के उपबंधों के आधार पर संविधान में संशोधन का प्रावधान है? 368। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित कानून बनाया? तो पंचायती राज, 73वें से पंचायती राज कानून बना। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। मिट्टी की अम्लीयता तथा क्षारीयता की माप हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे पीएच मान कहते हैं। पीएच मिट्टी की अम्लीयता क्षारीयता की पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन तथा के आधार पर किया जाता है। रसदार पौधे के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन है? रसदार पौधे के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र तो भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र को रसदार पौधे पाया जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो अंडमान में है। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो सुंदर वन कहा जाता है। सुंदर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट सबसे महत्वपूर्ण है? तो पश्चिमी घाट है। पिन कोड संख्या के आखिरी तीन अंक क्या सूचित करते हैं? तो डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को आखिरी 3 डिजिट डिनोट करता है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया केन्या और जायरे के बीच विक्टोरिया झील है। हवाई द्वीप समूह किस प्रशांत महासागर में स्थित है। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख क्षेत्र है? तो समशीतोष्ण पर्णपाती वन। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन का वृक्ष है। रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो वार्निश में कीटनाशक तथा सेलुलोज के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए है। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम क्वेश्चन देखेंगे। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोत को संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया? केंद्र सरकार के आय के स्रोत 7वीं अनुसूची में। केंद्र सरकार के जितने भी आय होते हैं उसे 7वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय, भारिक व्यय के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है? तो विनियोग के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसके बाद 1965 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस बैंक की स्थापना की? 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। उसका विनिर्मित वस्तुओं के सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है? विनिर्मित वस्तुओं
में सर्वाधिक रत्न व आभूषण से प्राप्त होती है। यदि कोई राष्ट्र मशीनरी तथा संयंत्रों तथा विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रौद्योगिकी निर्वात कर रहा है तो वह किस श्रेणी में आता है? तो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। उत्पादक एवं उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को शुरुआत किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरुआत किया। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। माप विज्ञान रांची में झारखंड में स्थित है। ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों को नौवीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में शामिल किया गया? तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय उद्योग करेंट है। चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो व्यापार घाटों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी के नाम दिया जाता है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। मेंडल के द्वारा अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया जाए। रेबीज नामक रोग रेबीज नामक रोग मनुष्य में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है। पाचन की दृष्टि से शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। इसके बाद धनुष टकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS एंटी टॉक्सिन सेरम एंटी धनुष टकार नामक बीमारी से बचाव के लिए ATS एंटी टॉक्सिन सेकुरम लगाया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ऑस्टियोमायलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र। ऑस्टियोमायलेसिया नामक में कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों, तो यहीं पर हम अपना प्रथम स्टेज यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से हम आते हैं दूसरे स्टेज में। चलिए, थैंक यू सो मच।